मैं तो बहुत खुश हूँ आरती के लिए, और मैंने उसको कई बार मैसेज भी भेजे. मैं ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ छोड़ने गया था क्योंकि मैं सोनी पे हूँ तो मैं ज़्यादा कलर्स पे जा नहीं सकता हूँ. ये तो मेरा मन बड़ा करता है कि मैं जाऊँ. भाई दूज के दिन मेरा बड़ा दिल था कि मैं अंदर जाके आरती से मिलता, लेकिन मुझे सोनी की से परमिशंस नहीं है. तो मैं हम उसको बड़ा मिस कर रहे हैं. मैं उसके लिए पोस्ट भी किया था अभी भाई दूज के दिन कि मैं आरती को बहुत मिस कर रहा हूँ, और मैं ये भी विश नहीं कर सकता कि जल्दी बाहर आ जाए. थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ. हम लोग अपने भी शोज़ ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि अभी हम लोग बैक टू बैक शूटिंग्स कर रहे हैं. सैटरडे संडे टेलीकास्ट है, और अभी कपिल का भी छोटू आने वाला है, तो अभी हमारी शूटिंग ज़्यादा जोर शोर में चल रही है. वेरी एक्साइटेड फॉर कपिल्स बेबी ऑल्सो. टफ फाइट, एक तो ना बिग बॉस के घर में ना खुद से एक बहुत बड़ी फाइट होती है. एक तो सबसे पहले खुद को ही आप संभाल लो, बाकी इधर आप कोई भरोसा नहीं है. कोई जो सिंपल सा भी निकल कर आता है ना, तो वो बाद में कुछ भी कर सकता है. तो यू नेवर नो. तो मैं पर्टिकुलर एक आदमी का नाम या लड़की का नाम नहीं ले सकता कि ये पर्टिकुलर टफ फाइट देगी. हाँ हाँ बिल्कुल. ऑफ़र क्या है, वो तो मेरे मुझे कब से बोल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन मैं कुछ मजबूरी की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ. हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत याद हैं. मेरे टेरेस पहले टेरेस पे ज़्यादा हुआ करते थे. बैंक्वेट वैंक्वेट होते नहीं थे ना ज़्यादा, और बैंक्वेट महंगे भी पड़ते थे, तो टेरेस पार्टीज याद हैं मुझे बड़े अच्छे से. मेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स. Please.